नमस्कार दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल में मैं हूं आपका दोस्त मोहित रानटा आज की इस वीडियो में जो करंट अफेयर की सेकंड लास्ट वीडियो है सिक्स मंथ्स की उसमें हम डिस्कस करेंगे आज के हंड्रेड क्वेश्चंस जो कि हम लेंगे वेरियस फील्ड से आप देखिए गाइज हमने आपके लिए कंप्यूटर अवेयरनेस की एक ए, सीरीज शुरू की है आप उसको जाकर भी देखते देख सकते हैं उसमें जो वीडियोस है वो एक तो टॉपिक वाइज अलग अलग बनी हुई है दूसरा उसमें मॉक टेस्ट बने हुए हैं जो कि पाँच है जिनको हमने डिस्कस किया है आप वो भी वहां पर जाके देख सकते हैं उसके लिए अलग प्ले बनी है अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें साथ में दिए हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि जो नोटिफिकेशन है वो आपको समय पर मिलती रहे गाइज चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन तो आज के सेशन में हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से है प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस जो है ये कब मनाया जाता है इस सवाल का जो सही जवाब है वो है एक अक्टूबर को ठीक है अगला सवाल यहाँ पर है केंद्र सरकार ने चौबीस सितंबर दो हज़ार बीस को कितने राज्यों को खुले बाज़ार से नौ हज़ार नौ सौ तेरह करोड़ रुपए अतिरिक्त कर्ज देने को मंजूरी दी है तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है पांच राज्य है ठीक है अगला सवाल है हाल ही में कितने वैज्ञानिकों को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2020 दिया गया है तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो यहाँ पर है चौदह लोगों को दिया गया है ठीक है अगला क्वेश्चन लेते हैं हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना शुरू की जा रही है तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो यहाँ पर है मध्य प्रदेश में सी इसका राइट आंसर है अगला क्वेश्चन लेते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पर है प्रतिवर्ष कितने वर्ष से कम उम्र के भारतीय वैज्ञानिक को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो यहाँ पर है पैंतालीस वर्ष ठीक है अगला सवाल इसी में है हाल ही में भारत और किस देश के बीच एक प्रत्यक्ष कार्गो फेरी सेवा की शुरुआत की गई है तो इस सवाल का जो सही जवाब आपके पास है वो यहां पर है मालदीव्स ठीक है 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 तो डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन पर है, हाल ही में भारतीय फिल्म एंड टेलीविजन संस्थान सोसाइटी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो यहां पर है शेखर कपूर सी इसका राइट आंसर है अगला क्वेश्चन है भारत ने कोविड नाइनटीन महामारी के अर्थव्यवस्था पर पड़े प्रभाव से निपटने में मदद हेतु मालदीव को कितने करोड़ डॉलर की वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई है तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो आपके सामने यहाँ पर है पच्चीस करोड़ डॉलर ठीक है ये जो है ये इसका सही जवाब है अगला क्वेश्चन लेते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पर है संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में किस अभिनेता को हारमिन ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड से सम्मानित किया है तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो यहाँ पर है सूद डी इसका राइट आंसर है ठीक है अगला क्वेश्चन है कर्मचारी भविष्य निधि ई ने अपने खाता धारकों की दुर्घटना या बीमारी से होने वाली मौत के कारण उनके नॉमिनी को कितने लाख रुपए देने की घोषणा की है तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो आपके सामने यहाँ पर है सात लाख सी जो है ये इसका राइट आंसर है अगला क्वेश्चन है प्रतिवर्ष तीस सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस किस व्यक्ति को पुण्यतिथि पर मनाया जाता है कौन से व्यक्ति की पुण्यतिथि पर ये मनाया जाता है तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो आपके सामने यहाँ पर है सेंट जेरोम्बी जो है ये इसका सही जवाब है अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस देश ने कोरोना के टीके को आम जनता के लिए जारी कर दिया है तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है रशिया रूस इसका राइट आंसर है अगला क्वेश्चन है हाल ही में खादी और ग्रोमोद्या हाल ही में खादी और ग्राम उद्योग आयोग के नए सलाहकार कौन नियुक्त किए गए हैं तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो यहाँ पर है सुनील शेट्टी सी इसका राइट आंसर है अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस राज्य में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस दो की रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है दो की जो ईज ऑफ लिविंग की इंडेक्स था उसमें शीर्ष स्थान हासिल किया है आंध्र प्रदेश ने डी इसका सही जवाब है अगला क्वेश्चन है हाल ही में किसे वर्ष दो हज़ार बीस इक्कीस के लिए लता मंगेशकर अवार्ड्स दिया गया है तो लता मंगेशकर अवार्ड किसे दिया गया है ये दिया गया है उषा मंगेशकर को ठीक है अगला क्वेश्चन यहाँ पर है हाल ही में किस देश की एक शीर्ष अदालत ने हिंदू विधवा महिला को कृषि और गैर कृषि जमीन दोनों पर अधिकार देने की घोषणा की है तो ये की है यहाँ पर बांग्लादेश ने बी इसका सही जवाब है अगला क्वेश्चन लेते हैं हाल ही में किस राज्य की पूर्व महिला मुख्यमंत्री सैयदा अनवरा तैमूर का निधन हुआ है तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो यहाँ पर है असम की ठीक है ये इसका राइट आंसर है अगला क्वेश्चन है वित्त मंत्रालय के अनुसार अगस्त 2020 में जीएसटी का कितना संग्रह किया गया है तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो यहाँ पर आपके सामने है छियासी करोड़ रुपये ठीक है थीके? अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कौन व्यक्ति हाल ही में टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ट्राई जो है कि नए चेयरमैन बने हैं तो ट्राई के जो नए चेयर है मैन है वो है पी डी वाघेल ठीक है पीडी वाघेल इसका सही जवाब है अगला क्वेश्चन है ब्रिटिश ड्राइवर लुइस हैमिल्टन ने निम्न में से किस देश किस रेस को जीतकर इस साल पांचवी बार ट्रॉफी को अपने नाम किया है तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो यहां पर है बेल्जियम ग्रापी ठीक है अगला क्वेश्चन है प्रतिवर्ष विश्व हृदय दिवस जो है ये कब मनाया जाता है इस सवाल का जो सही जवाब है वो यहाँ पर है उनतीस सितंबर को तो बी जो है ये इसका राइट आंसर है अगला क्वेश्चन यहाँ पर है निम्न में से किस राज्य में पंद्रह करोड़ रुपए की लागत से विश्व के सबसे बड़े ट्राई म्यूजियम बनाने की घोषणा की गई है तो इसका जो सही जवाब है वो यहाँ पर है गुजरात सी जो है ये इसका राइट आंसर है अगला क्वेश्चन यहाँ पर है एआईएफएफ आई एफ अवार्ड दो से किस मैं किसे विमेंस वी, प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से चुना गया है तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो आपके सामने यहाँ पर है संजू यादव तो बी जो है ये इसका राइट आंसर है अगला क्वेश्चन है किस देश के सलामी बल्लेबाज निशान थरंगा परन्विताना ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है तो इस सवाल का जो सही जवाब है इतने लंबे लंबे नाम जो है वो श्रीलंका में होते हैं तो श्रीलंका जो है ये इसका सही जवाब है अगला क्वेश्चन लेते हैं ए आई एफ एफ अवार्ड दो हजार बीस में किसे मैंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर पुरस्कार से चुना गया है तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो आपके सामने यहाँ पर है गुरप्रीत सिंह सी इसका राइट आंसर है राष्ट्रीय खेल दिवस जो है ये निम्न में से किस दिन मनाया जाता है तो राष्ट्रीय खेल दिवस जो है ये उनतीस अगस्त को मनाया जाता है 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 ये जो इसका सही जवाब अगला क्वेश्चन यहां पर आता है हाल ही में किसे अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की नई न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है तो इस सवाल का सही जवाब यहां पर है एमी ठीक है तो बी जो है ये इसका राइट आंसर है अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य ने शुष्क इलाकों में ग्रीन कारपेट बनाने की योजना जल कला योजना को शुरू किया है तो ये योजना शुरू की है आंध्र प्रदेश सरकार ने बी जो है ये इसका राइट आंसर है अगला क्वेश्चन यहाँ पर है हाल ही में किसे भारतीय महिला क्रिकेट टीम की मुख्य चयनकर्ता के रूप में नियुक्त किया गया है इसका सही जवाब यहाँ पर है नीतू डेविड को ठीक है सेकंड इसका राइट आंसर है अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी अस्पतालों में कोरोना उपचारों की दरों को प्रदर्शित करना अनिवार्य कर दिया है इस सवाल का सही जवाब यहाँ पर है सी मध्य प्रदेश अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है प्रतिवर्ष विश्व रेबीज़ दिवस जो है ये कब मनाया जाता है तो रेबीज दिवस जो है ये अट्ठाईस सितंबर को मनाया जाता है ए इसका राइट आंसर है अगला सवाल लेते हैं अगला सवाल यहाँ पर है हाल ही में किस बैंक ने हाउस कॉमेडिटी फाइनेस ऐप लॉन्च की है तो ये ऐप जो है ये किसने लॉन्च की है ये यहाँ पर लॉन्च की है एच डी एफ सी ने ठीक है जो बी है ये इसका राइट आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हाल ही में किसने एफ वन जो फार्मूला वन है रशियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब जीता है तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो यहाँ पर है वॉल्टेरी बोटास ने ठीक है सी इसका राइट आंसर है अगला क्वेश्चन यहाँ पर है हाल ही में किस राज्य सरकार ने जल क्षेत्र में डेनमार्क के साथ समझो होता किया है तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो यहां पर है गुजरात गुजरात इसका राइट आंसर है अगला क्वेश्चन है प्रतिवर्ष विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है तो विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है इस सवाल का सही जवाब है सताईस सितंबर को ठीक है अगला क्वेश्चन है हाल ही में गरीब कल्याण रोजगार अभियान में क्रियान्वयन में किस राज्य ने आठ पुरस्कार जीते हैं तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो यहाँ पर है उत्तर प्रदेश सी इसका सही जवाब है अगला प्रश्न प्रश्न है प्रतिवर्ष बेटी दिवस डॉटर्स डे जो है ये कब मनाया जाता है डॉटर्स डे मनाया जाता है सितंबर के महीने का जो आखिरी रविवार है तब मनाया जाता है तो ए जो है ये इसका राइट आंसर है अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य ने पर्यटन संजीवनी योजना शुरू की है तो ये शुरू की है यहाँ पर असम ने तो बी जो है ये इसका राइट आंसर है अगला क्वेश्चन है प्रतिवर्ष भारत में 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस किस व्यक्ति की जयंती के रूप में मनाया जाता है तो इसका जो सही जवाब है वो यहाँ पर है पंडित दीनदयाल उपाध्याय ए इसका राइट आंसर है अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री डिजिटल बिजनेस प्लान की घोषणा की है तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो यहाँ पर है ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया इसका सही जवाब है अगला क्वेश्चन है हाल ही में राज्य की सरकार ने छात्रों के लिए यूराइज पोर्टल लॉन्च किया है तो ये कौन से राज्य ने किया है इस सवाल का जो सही जवाब है वो यहाँ पर आता है उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश इसका सही जवाब है अगला क्वेश्चन है हाल ही में एन के डी का अतिरिक्त जो प्रभार है वो किसे दिया गया है तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो आपके सामने यहाँ पर है एस एस देवसाल तो एस एस देव जो है इन्हें ये पदभार दिया गया है अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य ने छात्रों के लिए रेडियो पाठशाला आयोजित करने की घोषणा की है तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो आपके सामने यहाँ पर है सी उड़ीसा ठीक है अगला क्वेश्चन लेते हैं किस राज्य ने गैर संक्रामक रोग की रोकथाम के लिए नियंत्रण के लिए यूनिएफटी पुरस्कार 2020 जीता है तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो यहाँ पर है केरल केरल इसका सही जवाब है अगला क्वेश्चन लेते हैं अगला क्वेश्चन जो है वो आपके पास यहाँ पर है हाल ही में किस कंपनी ने ग्राहकों के लिए डिजिटल सुरक्षा समूह बीमा की पेशकश करने के लिए बजाज बजाएज अलायंस जो है इनके साथ समझौता किया है इस सवाल का जो सही जवाब है वो यहाँ पर है फ्लिपकार्ट बी जो है ये इसका राइट आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन हाल ही में एसर इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं तो एसर इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर है सोनू सूद सोनू सूद इसका सही जवाब है अगला क्वेश्चन है हाल ही में आईसीआरए ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है माइनस ग्यारह प्रतिशत अगला है हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व जो है एसपी पी बाला सुब्रमण्यम का निधन हुआ है वे थे वो कौन थे गायक थे पूर्व क्रिकेटर थे गणितज्ञ थे या चित्रकार थे तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो एक गायक थे ए इसका राइट आंसर है अगला क्वेश्चन है हाल ही में आरबीआई के ग्राहक जागरूकता अभियान के लिए किसे चुना गया है तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो यहां पर है अमिताभ बच्चन सी इसका राइट आंसर है अगला क्वेश्चन है किस राज्य की सरकार ने हाल ही में मोक्ष कलक्ष योजना 2020 को मंजूरी दी है इस सवाल का जो सही जवाब है आपके पास वो यहां पर है राजस्थान बी इसका सही जवाब है अगला क्वेश्चन है हाल ही में कहा एक सरकारी स्कूलों में वर्षा जल संचय परियोजना स्थापित की गई है इस सवाल का सही जवाब यहां पर है वडोदरा ठीक है सी इसका सही जवाब है हाल ही में किस देश के पूर्व क्रिकेटर डीन जॉन्स का निधन हुआ है तो इसका जो सही जवाब है वो यहां पर है ऑस्ट्रेलिया के ठीक है अगला है हाल ही में मुक्टर ने को किस देश का प्रधानमंत्री नामित किया गया है तो इस सवाल का जो सही जवाब आपके पास है वो यहाँ पर है माली बी इसका राइट आंसर है अगला क्वेश्चन है किस राज्य में हाल ही में भारत के पहले चिकित्सा उपकरण पार्क का शिलान्यास किया गया है तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है बिहार अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य सरकार ने खुली सिगरेट की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया है तो इस सवाल का सही जवाब है महाराष्ट्र महाराष्ट्र इसका सही जवाब है अगला क्वेश्चन है हाल ही में जारी टाइम मैगज़ीन 2020 की 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में कितने भारतीयों को जगह मिली है तो 100 जो सबसे प्रभावशाली लोग हैं उनमें सिर्फ भारत के सिर्फ कितने लोगों को जगह मिली है मात्र पाँच लोगों को जगह मिली है बीस का सही जवाब है अगला क्वेश्चन है हाल ही में डॉक्टर कृष्णा सक्सेना द्वारा लिखित पुस्तक अब बुक अ बुके ऑफ फ्लार्ज का विमोचन किसने किया तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है राजनाथ सिंह ने बी इसका सही जवाब है अगला क्वेश्चन लेते हैं हाल ही में केंद्रीय रेल राज्य मंत्री सुरेश सुरेश अंगड़ी का किस बीमारी के कारण निधन हुआ है तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है कोविड नाइन्टीन नेक्स्ट आता है हाल ही में मिंत्रा की ब्यूटी ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है तो इसका जो सही जवाब है वो है दिशा पाटनी दिशा पाटनी इसका सही जवाब है अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस प्रसिद्ध व्यक्तित्व भूपेश पांड्या का निधन हुआ है वह थे वो कौन थे 460 जो क्वेश्चन है इसका सही जवाब आपके पास जो आता है वो यहाँ पर है वो एक अभिनेता थे ठीक है अगला क्वेश्चन है हाल ही में एन सी हाल ही में एन सी ए आर ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है तो इसका जो सही जवाब है वो है माइनस बारह पॉइंट छः प्रतिशत ठीक है बी इसका सही जवाब है अगला यहाँ पर आता है प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सेवा योजना दिवस एन डे जो है ये कब मनाया जाता है इसका जो सही जवाब है वो यहाँ पर है चौबीस सितम्बर को अगला क्वेश्चन है हाल ही में ए ने वर्ष के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर फुट के रूप में किसे चुना है तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो यहां पर है गुरप्रीत सिंह सिद्धू और आता है आपका मडफील्डर संजू या फिर उपयुक्त दोनों तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है उपयुक्त दोनों ये दोनों है इन्हें सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर के रूप में चुना गया है अगला क्वेश्चन यहाँ पर है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम में हाल ही में किसे भारत के लिए क्षेत्रीय राजदूत नियुक्त किया गया है तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो यहाँ पर है खुशी चिंदालिया ठीक है खुशी चिंदालिया इसका सही जवाब है अगला है हाल ही में हाल ही में कौन फाइटर विमान राफेल की पहली महिला पायलट बनी है तो यह आपको पता होना चाहिए यह एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और इसका जो सही जवाब है वह यहां पर है शिवांगी सिंह अगला सवाल है हाल ही में किस राज्य सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बाय रोड अभियान शुरू किया है तो इस सवाल का सही जवाब यहां पर है उड़ीसा बी इसका राइट आंसर है अगला क्वेश्चन है प्रतिवर्ष अंतरराज प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया जाता है तो इसका जो सही जवाब है वो यहाँ पर है तेईस सितंबर को तो बी इसका राइट आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में जारी ग्लोबल एमबीए रैंकिंग 2020 में टॉप 50 में कितने भारतीय इंस्टीट्यूट को शामिल किया गया है तो इस सवाल का जो सबसे सही जवाब है वो यहाँ पर है दो ठीक है बी इसका राइट आंसर है अगला क्वेश्चन है कौन भारतीय हाल ही में एशियाई फुटबॉल परिसंघ के कार्यालय के सदस्य के रूप में नियुक्त हुआ है तो इस सवाल का सही जवाब यहाँ पर है गिरिजा शंकर मुंगाली अगला क्वेश्चन है भारत की पहली तटरक्षक अकादमी कहाँ पर स्थापित की गई है तो ये स्थापित की गई है कर्नाटक में सी जो है ये इसका सही जवाब है अगला क्वेश्चन लेते हैं अगला क्वेश्चन है यहाँ पर प्रतिवर्ष विश्व गेंडा दिवस वर्ल्ड राइनो डे जो है ये कब मनाया जाता है तो ये यहाँ पर मनाया जाता है बाईस सितंबर को ठीक है अगला क्वेश्चन है हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र राज्यसभा में के कौन से सत्र को संबोधित किया है तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो यहाँ पर है पचहत्तरवें सत्र को ठीक है अगला यहाँ पर आता है प्रतिवर्ष विश्व अल्जाइमर दिवस जो है ये कब मनाया जाता है ये मनाया जाता है 21 सितंबर को अगला है हाल ही में वर्ष 2020 का वुमेन सिंगल्स इटैलियन ओपन किताब पहली बार किसने जीता ये किसने जीता ये जीता है हमारे यहाँ पर सीमोना हालिप ने सी जो है ये इसका सही जवाब है अगला क्वेश्चन है हाल ही में वर्ष 2020 का मेन सिंगल्स इटालियन ओपन खिताब किसने जीता तो ये जो सवाल है ये यहाँ पर इसका सही जवाब है नोवाक जोकोविच ठीक है तो बी इसका राइट आंसर है अगला यहाँ पर है किस भारतीय ने हाल ही में आईजी जी नोबल प्राइज दो जीता तो इसका जो सही जवाब है वो यहाँ पर है नरेंद्र मोदी सी इसका राइट आंसर है अगला क्वेश्चन लेते हैं हाल ही में राष्ट्र राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन के नए सदस्य नए अध्यक्ष जो है वो कौन बने हैं ये बने हैं अनिल धस्माना ठीक है तो ये इनका इसका सही जवाब है अगला क्वेश्चन है हाल ही में आईएमएफ के कार्यकारी निदेशक के रूप में नया सलाहकार जो है ये किसे नियुक्त किया गया है इस सवाल का सही जवाब जो है ये है सीमांचल दास ठीक है डी इसका राइट आंसर है अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री जॉन टर्नर का निधन हुआ है तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो यहाँ पर है कैनेडा ए इसका राइट आंसर है अगला क्वेश्चन है प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है तो अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है इक्कीस सेप्टेम्बर को अगला है हाल ही में किस देश के सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश रूथ बेडर गिन्सबर्ग का कैंसर से के कारण निधन हुआ है तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो यहां पर है अमेरिका ए इसका सही जवाब है अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस भारतीय युवा को यूएन की 2020 क्लास ऑफ सेवेंटीन यंग लीडर्स की सूची में शामिल किया गया है इस सवाल का जो सही जवाब है वो यहाँ पर है उदित सिंगल बी इसका राइट आंसर है अगला क्वेश्चन है किस राज्य की सरकार ने हाल ही में भारत की सबसे खूबसूरत फिल्म सिटी बनाने का ऐलान किया है तो ये यूपी ने किया है सी इसका सही जवाब है अगला क्वेश्चन लेते हैं अगला प्रश्न है आपके पास किस देश ने हाल ही में दुनिया का पहला हैप्पीनेस म्यूजियम खोला है तो ये खुला है कौन से देश में ये डेनमार्क में खुला है डी का सही जवाब है अगला क्वेश्चन है किस राज्य की सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना की शुरुआत की है तो इसका जो सही जवाब है वो यहाँ पर है गुजरात सी का राइट आंसर है अगला क्वेश्चन है किस भारतीय को हाल ही में एशिया गेम चेंजर अवार्ड दो के नाम के लिए चुना गया है तो इसका जो सही जवाब है वो यहाँ पर है विकास खन्ना डी इसका राइट आंसर है अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर है हाल ही में आई द्वारा जारी स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 में किस भारतीय शहर को शीर्ष स्थान मिला है तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो यहाँ पर हैदराबाद डी इसका राइट आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिवर्ष विश्व बांस दिवस जो है वर्ल्ड बैम्बू डे कब मनाया जाता है तो इसका जो सही जवाब है वो है अठारह सितंबर को सी इसका राइट आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में जारी विश्व बैंक की मानव पूंजी सूचकांक दो में भारत को कौन सा स्थान मिला है तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो यहाँ है एक सौ सो सोलवा राइट आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिवर्ष अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस जो इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी है यह इंपॉर्टेंट सवाल है यह कब मनाया जाता है यह मनाया जाता है पंद्रह सितंबर को यह इसका राइट आंसर है अगला क्वेश्चन है टाइटन कंपनी ने हाल ही में किस बैंक के साथ मिलकर भारत की पहली संपर्क रहित पेमेंट घड़ी लॉन्च की है तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो यहाँ पर है एस बी आई ए इसका राइट आंसर है अगला क्वेश्चन है हाल ही में पेटीएम फर्स्ट गेम्स ब्रांड कंपनी के ब्रांड अम्बेसडर के तौर में किसे चुना गया है कौन इसका ब्रांड अम्बेसिडर बना है तो इसका सही जवाब है सचिन तेंदुलकर सी इसका राइट right आंसर है अगला क्वेश्चन लेते हैं हाल ही में भारतीय खिलाड़ी सदाशिव पाटिल का निधन हुआ है यह किस खेल से संबंधित है तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो यहाँ पर है ए क्रिकेट इसका सही जवाब है अगला आता है सवाल हाल ही में जापान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो यहाँ पर है याश योशिदे सुगा तो सी जो है ये इसका सही जवाब है अगला क्वेश्चन है हाल ही में कौन एमेज़ोन एलेक्सा को अपनी आवाज़ देने वाले पहले भारतीय सेलिब्रिटी बने हैं तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो यहाँ पर है डी अमिताभ बच्चन ठीक है अगला क्वेश्चन लेते हैं अगला जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर है अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस भारतीय को यूरोमनी द्वारा 2020 का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो आपके सामने यहाँ पर है आदित्य पुरी आदित्य पुरी जो है ये इस सवाल का सही जवाब है अगला जो सवाल है वो है प्रतिवर्ष विश्व ओज़ोन दिवस ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है ओज़ोन दिवस कब मनाया जाता है तो ओज़ोन दिवस जो है ये मनाया जाता है सोलह सितम्बर को ये इसका सही जवाब है नेक्स्ट आता है यहाँ पर प्रतिवर्ष इंजीनियर्स डे जो है ये कब मनाया जाता है इंजीनियर्स डे मनाया जाता है पंद्रह सितंबर को ये इसका सही जवाब है अगला क्वेश्चन है यूपी सरकार ने हाल ही में यूपी सरकार ने हाल ही में मुगल म्यूज़ियम का नाम बदलकर किन के नाम पर रखा है तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो यहाँ पर है छत्रपति शिवाजी के नाम पर बीस का राइट आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं एशिया विकास बैंक ने हाल ही में किसे भारत के कंट्री डायरेक्टर के तौर पर नियुक्त किया है ये भी एक इम्पॉर्टेंट सवाल है और इस सवाल का जो सही जवाब जो है वो है टेको कोनिशी एकोकोनिशी जो है ये इस सवाल का सही जवाब है सो so गाइज हमारा जो आज का ये लेक्चर है ये यहीं यहीं पर समाप्त होता है अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपका कोई सुझाव है तो उसे भी आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं दूसरी चीज़ ये है जो हमारा कंप्यूटर अवेयरनेस का सेशन है आप उसे भी ज़रूर लगाएँ वो भी आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहें हमारे साथ बने रहिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद गॉड ब्लेस यू ऑल